राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डोल तोरण। मैंने आज डोल तोरण बताया क्योंकि जो डोल बनाएंगे वो हम अपने बच्चों की गर्ल्स, जैसे गर्ल्स बेबी गर्ल्स हैं, उनके रूम के बाहर काफी अच्छा लगेगा, तो आज मैं आपको वो बताऊंगी। अब हम फर्स्ट दो पार्ट बनाएंगे इस तोरण के। पहले हम पार्ट में बनाएंगे इस तरह की पट्टी। देखिए फ्रेंड्स, ये हम पट्टी बनाएंगे फर्स्ट पार्ट में। मैं आपको ये पट्टी बनाना बताऊंगी और ये फ्लावर बनाना बताऊंगी और फ्लावर को किस तरह से लगाना है ये भी बताऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ये बनाएंगे और सेकंड पार्ट के अंदर हम इसके नीचे जो डोल बनाएंगे और लटकन बनाएंगे। सेकंड पार्ट में आपको आज वो बनाना बताऊंगी। अब हम फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आज मैं आपको ये इसकी पट्टी और ये फ्लावर बनाना बताऊंगी। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से ये बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डोल बनाने के लिए हम पहले लूप बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने लूप बना लिया। अब हम चैंस बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 चैन बना ली हैं। अब हम लूप लेंगे और 3 चैन स्किप करेंगे, 1, 2 और 3। फोर्थ वाली चैन के अंदर डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 2, 2 से 1। फिर से लूप लेंगे, फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, फिर से धागा लेके आएंगे, 3 से 2, 2 से 1। इसी तरह से हम ये सारी रो कंप्लीट कर लेते हैं डबल क्रोशिया बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हर चैन के अंदर डबल क्रोशिया बना लिए और इस तरह से अब हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम 1, 2 और 3 3 चैन बनाएंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लूप लेंगे, इस नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, धागे को लेके आएंगे, 3 से 2 करेंगे, 2 से 1 कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम आगे अब डिजाइनिंग बनाएंगे। डिजाइनिंग के लिए हम कैसे बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पिंक कलर के बाद अब हम क्रीम कलर ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस लूप को खींच देंगे जिससे कि ये टाइट हो जाए। उसके बाद हम लूप लेंगे और देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बीच में, 1, 2, 3 और 4। 4 के बीच वाला जो यहाँ है, मतलब सेकंड वाला, इसके अंदर हम एक बार इस तरह से धागा लेंगे। हमें इस तरह 5 बार लेना है, हमें पफ स्टिच बनाना है। फिर से लूप लेंगे, फिर से उसके अंदर जाएंगे, धागे को लेके आएंगे 2 बार। फिर से वही लूप लेंगे, होल के अंदर जाएंगे 3 बार। फिर से वही 4 बार फिर से लेंगे और ये फिर से निकालेंगे 5 बार। देखिए फ्रेंड्स, 5 बार होने के बाद ये लूप लेंगे और इसमें से पूरे पफ स्टिच में से निकाल देंगे। निकालने के बाद एक चैन ले लेंगे, तो ये हमारा एक पफ स्टिच बन गया। फिर से अब हम एक चैन लेंगे, लेने के बाद फिर से लूप लेंगे और इसी होल के अंदर पफ स्टिच बनाएंगे। 5 बार हम धागा निकालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार। देखिए फ्रेंड्स, 5 की 5 बार निकाल दिया है। इसमें से निकालेंगे और दोनों को एक साथ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पफ स्टिच हमारा हो गया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम ये रेड वाला धागा इधर से लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके बीच में से निकालेंगे और वाइट धागे को टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, लूप लेंगे और जो हमारे लास्ट वाले 2 हैं इसके अंदर डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार। फिर से लूप लेंगे, फिर से करेंगे 1 बार। स्टार्टिंग में भी हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे और एंडिंग में भी हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर पफ स्टिच, फिर एक चैन, फिर पफ स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये एक रो कंप्लीट हुई है। इसी तरह से अब हम सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम 1, 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, 3 चैन हम ले लेंगे, लूप को इस तरह से टर्न करेंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे और ये डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से अब देखिए फ्रेंड्स, इस धागे को हम छोड़ेंगे और व्हाइट कलर के धागे को पीछे से लेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे और रेड कलर के धागे को ज्वाइन कर देंगे। फिर से अब लूप लेंगे। अब ये 2 पफ स्टिच के बीच में जहां हमने चैन लिया, यहां पफ स्टिच बनाएंगे, एक्स्ट्रा धागों को पीछे कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स,
देखिए यहाँ लूप पफ स्टिच बनाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, ये चार बार और ये पांच बार। देखिए फ्रेंड्स, पांच बार हमने धागा ले लिया है। अब पांचों को एक साथ निकालेंगे, दोनों को लूप्स को एक निकाल देंगे, तो ये हमारा एक पफ स्टिच हो गया। फिर से लूप एक चैन लेंगे, फिर से लूप लेके इसी के अंदर एक पफ स्टिच और बनाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच बार। देखिए फ्रेंड्स, पांच बार होने के बाद पांचों को एक साथ धागे से निकालेंगे और इस साइड से इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम इस धागे को छोड़ेंगे और जो हमने पिंक कलर का धागा लिया है, दोबारा से इसको लेंगे और इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और व्हाइट कलर के धागे को टाइट कर देंगे। अब फिर से लूप लेंगे, फर्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से लूप लेंगे, लास्ट वाली चैन के अंदर डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये दो रो कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह से हमें आगे रो बनानी है। हमें मतलब जिस गेट के अकॉर्डिंग बनाना है उतनी इसकी हम लेंथ बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और करके सिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया सेकेंड रो। अब हम थर्ड रो बनाएंगे, वन, टू और थ्री। थ्री चैन्स ले ली, लूप लेंगे, सेकेंड चैन के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। इस धागे को छोड़ेंगे, व्हाइट कलर के धागे को लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पिंक वाले धागे को फिर से टाइट करके लूप लेंगे और जो एक बीच में चैन लिया है, यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार हो गया है, फिर से बनाएंगे दो बार, फिर से बनाएंगे तीन बार, फिर से बनाएंगे चार बार और फिर से बनाएंगे पांच बार। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच बार हो गया है। पांचों को एक साथ निकालेंगे और ये पफ स्टिच बना दिया। फिर से एक चैन लेंगे, फिर से लूप लेंगे, इसके अंदर पफ स्टिच बनाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच बार। देखिए फ्रेंड्स, पांच बार बनाने के बाद पांचों को एक साथ निकालकर पफ स्टिच को बंद कर देंगे। इस तरह से बंद करने के बाद व्हाइट कलर के धागे को छोड़ेंगे, पिंक कलर के धागे को लेंगे, इसके अंदर डालेंगे और व्हाइट कलर के धागे को खींच के टाइट कर देंगे। लूप लेंगे, फर्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, धागे को लेके आएंगे, तीन से दो, दो से एक। फिर से लूप लेंगे, फिर से थर्ड चैन के अंदर जाएंगे, फिर से करेंगे तीन से दो, दो से एक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये थर्ड रो होगी। अब इसी रो में हमें आगे कंटिन्यू करते जाना है और इसी तरह से हमें ये सारी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रो कंप्लीट कर दिया। जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दिया। हमने गेट की जो विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने इतना लंबा बना दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी लास्ट जो हमें पहले हमने शुरुआत में इसको बंद किया था, अब लास्ट में भी हमें इसे बंद करना है। इसके लिए हमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक डिजाइनिंग करने के बाद अब हम थ्री चैन्स बनाएंगे, वन, टू और थ्री। देखिए फ्रेंड्स, थ्री चैन्स बना ली हैं। इस तरह से लूप लेंगे और इस फर्स्ट चैन के अंदर डबल क्रोशिया कर देंगे। लूप लेके फर्स्ट चैन के अंदर जाएंगे और डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद हम फर्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, सिंगल स्टिच करेंगे, एक बार, फिर से बीच वाले में होल में जाएंगे, फिर से करेंगे दो बार और फिर से इसके अंदर जाएंगे, दोबारा से करेंगे तीन बार, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर एक बार करेंगे, चार बार। तो देखिए फ्रेंड्स, चार बार हमने ये सिंगल स्टिच कर दिया। अब लूप लेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे जैसे कि हमने उसमें किया है, और फिर से लूप लेंगे और थर्ड वाली चैन के अंदर जाकर डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये रो जैसे हमने वो बंद की है, इसी तरह से हम ये रो बंद कर दिया हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी ये स्टार्टिंग थी और इधर से हमने क्लोजिंग कर दिया। तो अब हम इस धागे को कट कर देंगे, दोनों को गांठ लगाकर इसको धागे को कट कर देंगे और इस तरह से अब हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से हमारी अब ये रो कंप्लीट होगी। इसके ऊपर हम
फ्लावर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कलर का फ्लावर बनाया है, येलो कलर का। ये फ्लावर हम, मैं आपको बनाना बताऊंगी और ये फ्लावर बनाएंगे हम किस तरह से। ये फ्लावर बना के इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे हर जगह पर, इस तरह के। मैं आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ किस तरह से इस तरह के फ्लावर बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम किस तरह से ये कम्प्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम येलो कलर से फ्लावर बनाना देखेंगे हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक लूप बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लूप बना ली। अब हम चैंस बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए फ्रेंड्स, 6 चैन बनानी है हमने। और अब हम लूप लेंगे और फर्स्ट चैन के अंदर जाएंगे और देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया कर देंगे, 3 से 2, 2 से 1। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये होल बन गया है। अब हम इस होल से लीफ बनाएंगे, 1, 2, 3। देखिए फ्रेंड्स, 3 चैन बनानी है। लूप लेंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर से लूप लेंगे, फिर से करेंगे, फिर से लूप लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, फिर से लूप लेंगे, फिर से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लूप लेके इसी होल के अंदर से करेंगे 3 बार। देखिए फ्रेंड्स, 3 बार मैंने ये डबल क्रोशिया कर दिया है, 1 बार 3 की चैन की है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम लूप लेंगे और इस होल के अंदर जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लूप नहीं लेना है, सीधा इसी होल के अंदर जाना है और एक सिंगल स्टिच कर देना है, जिससे कि हमारी एक लीफ की डिजाइनिंग आ जाएगी पत्ती की तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पत्ती बन गई। फिर से अब हम एक सिंगल स्टिच करेंगे। अब 3 चैन बनाएंगे, 1, 2 और एक सिंगल स्टिच, तो 3 हो गई। फिर से लूप लेंगे, इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार, फिर से लूप लेंगे 2 बार, लूप लेके इस होल के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, फिर से लूप लेंगे, फिर से करेंगे 3 बार। और देखिए फ्रेंड्स, सिंगल स्टिच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लीफ हमारी और बन गई। अब इसी तरह से फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, एक सिंगल स्टिच लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले 2 लीफ बनाई थी, फिर 2 उसी सेम पैटर्न से 2 लीफ बना ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट में 3 चैन थी, इसमें हमने ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से अब हमारा ये फ्लावर बन गया है। अब हम इस धागे को कट कर देंगे और इसी तरह से काफी सारे फ्लावर्स बना लेंगे। फ्लावर्स बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के हम फ्लावर्स बना लेंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी हमने ये पट्टी ली है, इसके ऊपर हम फ्लावर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, और इसके बीच में एक पर्ल लगाएंगे। अब मैं आपको सारे फ्लावर बनाकर फिर इसको लगाना बताती हूँ। ये फ्रेंड्स, हम देखते हैं किस तरह से ये फ्लावर लगाए। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से अब ये फ्लावर लगा दिए। साथ में मैंने इसके ये मोती भी लगाया है। इस तरह से मैंने ये लगाए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लगाए किस तरह, हम दोनों को देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, 1, 2 और 3, 3 फ्लावर्स हमने बनाए हैं। और इसी के बैक साइड नीचे भी 3 लगा दिए हैं। तो अब हमारा यहाँ रह गया है एक लास्ट। अब मैं आपको ये लास्ट लगाना सिखाऊंगी, आप वो लगा लेंगे और उसी तरह से ये बाकी फ्लावर्स लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैं आपको ये लगाना बताऊंगी हम किस तरह से लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सुई में मैंने धागा पिरो लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर को हम यहाँ रखेंगे ऊपर की तरफ, नीचे से देखिए फ्रेंड्स सुई को लेके आएंगे, इसके बीच में से निकाल देंगे। निकालने के बाद जो हमारा ये मोती है, इसको इसके अंदर डालकर, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डालकर दूसरी तरफ से निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दूसरी तरफ से सुई डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर अपने नीचे से इसको सेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बराबर से और सावधानी से, क्योंकि ये ऊपर नीचे ना लगे इसलिए। अब देखिए, इस तरह से हमने लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, वही 1-2 बार इसी तरह से दोबारा से टपाएंगे, जैसे इधर से निकाला। देखिए फ्रेंड्स, इधर से निकाल दिया, फिर से मोती के अंदर लेके जाएंगे, फिर से इस तरह से लेके आएंगे और दूसरी तरह नीचे कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लावर हो गया है। नीचे से अपने गांठ लगाकर ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर लगकर तैयार हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पट्टी बनकर रेडी है। मैं आज आप
मैंने अब आपको फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारी ये पट्टी बन गई है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम डोल वाला बनाएंगे, डोल बनाएंगे, नीचे लटकन्स वगैरह बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।